हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बॉब बिस्वास के बारे में बात करेंगे, जो कि कल ही Zee5 पे रिलीज हुआ है। तो अभिषेक बच्चन का ये लेटेस्ट मूवी कैसा हुआ, इसी के बारे में मैं बात करूंगा अभी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बॉब बिस्वास वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर है फ्रॉम द मूवी कहानी, क्योंकि अब तक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव वॉच दैट क्लासिक थ्रिलर फिल्म कहानी, जहाँ पे ये बॉब बिस्वास का कैरेक्टर थे, जो कि ऑब्वियसली शाश्वत चैटर्जी ने प्ले किए थे। तो ये जो बॉब बिस्वास मूवी है, ये सॉर्ट ऑफ स्पिन ऑफ आप लोग कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बॉब बिस्वास के बारे में हम लोगों को और ज़्यादा जानने को मिलेंगे, उन पे ज़्यादा फोकस किया है इस मूवी में। लेकिन अगर आप लोगों ने कहानी देखे होंगे तो वहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि बॉब बिस्वास वहाँ पे कोई फैमिली नहीं थे, तो यहाँ पर फैमिली कैसे आए। अब ये जो लिंक है वो फिल्म के एंड पे जाके आप लोगों को एक्चुअली पता चलेगा, क्योंकि एंड में ही जाके कहानी फिल्म से एक लिंक हो गया। तो स्टोरी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बॉब बिस्वास का शायद एक एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट होने के बाद ही इस मेमोरी विल बी लॉस्ट। और वो क्या काम करते थे इससे पहले, क्या कुछ थे, उनको कुछ मालूम नहीं था, वो सब कुछ भूल गए हैं। अब यहाँ से ही एक स्टोरी शुरू होते हैं। यहाँ पे एक ड्रग माफिया के बारे में भी हम लोगों को जानने को मिलेंगे। अब बॉब बिस्वास बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट किलर, उनके पास एक कॉन्ट्रैक्ट आएंगे एक के बाद एक मारने के लिए। तो अल्टीमेटली एंड पे क्या होगा, क्या उनको सब कुछ याद आएंगे, वो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए लेंगे, जो ड्रग माफिया का बिजनेस है इसका भी क्या होगा, सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखने होंगे। तो पहले से मेरे माइंड में एक बात चल रहा था कि शाश्वत चैटर्जी का जो वो आइकॉनिक कैरेक्टर था बॉब बिस्वास, जो हम लोग पहले देख चुके हैं, अभिषेक बच्चन यहाँ पे कैसे वो कैरेक्टर पोर्ट्रे करेंगे, ये थोड़ा मैं डाउट में था। लेकिन मानना पड़ेगा अभिषेक बच्चन जस्ट नेल द कैरेक्टर कम्प्लीटली, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। क्योंकि बॉब बिस्वास का जो कैरेक्टर है, देखने में आपको लगेगा कि फुल ऑफ इनोसेंस, ऐसे कि उनको कुछ पता ही नहीं है, बहुत सीधे साधे भोले भाला कैरेक्टर है, लेकिन पीछे क्या करता है, एक शार्प शूटर है। तो यहाँ पर ही इस कैरेक्टर को, इस इनोसेंस को अभिषेक बच्चन ने बहुत अच्छे से स्क्रीन पे रिप्रेजेंट किया है, जो कि देखने में बहुत ही कन्विंसिंग लग रहा था। और यहाँ पे अभिषेक बच्चन का जो कैरेक्टर जिस तरीके से उन्होंने पूरे फिल्म पे पोर्ट्रेट किया है, दैट वाज कम्प्लीटली प्रेज वर्थी। ऑल्सो स्टोरी यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फिल्म का रन टाइम भी उतना ज़्यादा लंबा नहीं है, तो आप लोगों को बोर भी नहीं लगेगी, क्योंकि एक के बाद एक यहाँ पे ऐसा इंसिडेंट सेट किया हुआ है, स्क्रीन प्ले इतना टाइट है कि आप लोग पूरा फिल्म को एंजॉय करोगे। यहाँ पे बॉब बिस्वास के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स का स्क्रीन प्ले या बाकी कैरेक्टर्स का इम्पोर्टेंट फिल्म पे उतना भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे टॉलीवुड यानी कि बंगाली इंडस्ट्री के एक्टर एक्ट्रेस को देखने को मिलेंगे, और सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। यहाँ पे चित्रांगदा सिंह बॉब बिस्वास के वाइफ के रोल प्ले करेंगे, तो उनको जितना स्क्रीन प्ले मिले थे बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है बॉब बिस्वास के साथ यानी कि अभिषेक बच्चन के साथ। उनका जो स्क्रीन पे थोड़ा बहुत केमिस्ट्री देखने को मिला, दैट वाज रियली लुकिंग नाइस। ऑल्सो फिल्म पे जो BGM था, BGM बहुत ही अच्छा था थ्रू आउट द फिल्म, एक बहुत थ्रिलर फैक्टर जो BGM होता है वही यूज़ हुआ है। यहाँ पे कोलकाता शहर को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाया है, जो कि आप लोगों को देखने में ज़्यादातर बहुत अच्छे लगेंगे। हालांकि हम लोग जानते हैं कि अगर एक कोई बॉलीवुड मूवी में अगर कोलकाता की शूटिंग होते हैं, तो ज़्यादातर हावड़ा ब्रिज, कालीघाट, ये सब इलाका दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ हट के डायरेक्टर ने करने की कोशिश किया है। बहुत अच्छे अच्छे लोकेशंस पे शूटिंग हुआ है, जिसके कारण एक नेचुरल या फिर एक रियलिस्टिक वाइब भी आप लोगों को मिलेंगे। फिल्म का जो कलर ग्रेडिंग था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन सेकेंड हाफ में जो स्टोरी, जो स्क्रीन प्ले था, वो ज़्यादातर मुझे अच्छा लग रहा था देखने में, क्योंकि सेकेंड हाफ में ही अभिषेक बच्चन का जो कैरेक्टर इवॉल्वमेंट हो रहा था, उस समय आप लोगों को ये फिल्म देखने का मज़ा और ज़्यादा आएंगे, और तभी अभिषेक बच्चन का जो वो एक्टिंग था वो देखने का लायक था। ही इज़ ट्रूली एन अंडररेटेड एक्टर, क्योंकि ये जो कैरेक्टर, इसको पुल ऑफ करना इज़ नॉट एट ऑल इजी जॉब, क्योंकि शाश्वत चैटर्जी ने जो ट्रेडमार्क, जो एक एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया था, अभिषेक बच्चन ने उसके हिसाब से बहुत ही एक बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। एंड एज इट्स अ स्पिन ऑफ सीरीज, तो उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे बॉब बिस्वास को रिप्रेजेंट किया, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, जो कि आप लोगों को ये फिल्म का जो पूरा एक्सपीरियंस है वो एक अच्छा लेवल पे ले जाएगा। ओवरऑल जो डायरेक्शन जो है वो ठीक ठाक ही था। तो यहाँ पे जो स्टोरी है वो अल्टीमेटली जाके कहानी फिल्म से लिंक होंगे, जो कि एंड में दिखाया हुआ है।
तो ये जो फिल्म था, मैं कुछ एक्सपेक्टेशंस उतना भी लेके नहीं बैठा था, बट सीरियसली आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द अभिषेक बच्चन एक्टिंग स्टोरी. इट वॉज ओके. यहाँ पे बॉब बिस्वास के लाइफ में जो चल रहा था, जिस तरीके से वो एक के बाद एक काम कर रहे थे, अपने वाइफ को भी संभाल रहे थे, घर में भी वो कुछ यादें रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, एक फैमिली मैन जैसे होते हैं, वैसे ही रोल यहाँ पे थोड़े दिखाए हैं. तो ओवरऑल ये जो फिल्म है मुझे बहुत ही अच्छा लगा देखने में, कि अभिषेक बच्चन भी बहुत अच्छे से इस कैरेक्टर को पुल आउट किया है, जिसके कारण ये फिल्म जो है आप लोगों को देखने में बहुत ही मज़ा आएंगे. और एक थ्रिल फैक्टर भी पूरे फिल्म पे काम हुआ है, क्योंकि ड्रग माफिया को कैसे अभिषेक बच्चन तोड़ेंगे, एक थोड़ा रिवेंज ड्रामा भी यहाँ पे है, जो आप लोग को फिल्म देखने से ऑब्वियसली पता चलेगा. तो बॉब बिस्वास मूवी अगर आप लोगों ने देख लिया है तो मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा. और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बिल भी ऑल कर देना. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय.